एवरीवन, टारगेट स्टूड क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये लेक्चर हमारा क्लास 10 के लाइट चैप्टर के बेसिस पे है। इस लेक्चर में हम आपका कॉन्वेक्स मिरर्स में जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं उनके रे डायग्राम्स के फॉर्मेशंस को स्टडी करेंगे हम, कि किस तरीके से हम कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम बनाते हैं आपका, सेम एज जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कॉनकेव मिरर के आपके देखे थे। तो सारे रे डायग्राम्स जो आपके फॉर्मेशन होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ रूल करते हैं, और रूल आपके किस पर डिपेंड है, आपका लॉस पे। ओके, तो लॉज आपको पता है, रूल्स आपको पता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, कि अगर रेस किस तरीके से आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस तरीके से आपका जाएगी। ओके, तो देन हम अपने प्रीवियस लेक्चर के जो रे डायग्राम्स थे उनको हम एक बार जल्दी से रिमाइंड कर लेते हैं, जिससे हम अपना कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स को इजिली कर सकें। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 6 लोकेशंस पे आपका ऑब्जेक्ट को प्लेस करा था। हमने 6 लोकेशंस डिफाइन करी थी जहां पे हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, और उसके बेसिस पे हम देखेंगे हमारा इमेज फॉर्मेशन किस जगह पे हो रहा था, और जो इमेज बन रही थी उसका नेचर क्या था और उसका साइज क्या था। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था आपका, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी पे हमने प्लेस करा था तो जो हमारी पोजिशन थी इमेज की वो सब सारी की सारी रेज आपकी कहां पे आ रही थी, फोकस पे। सारी रेज कहां पे मीट कर रही थी आपकी, फोकस पे। नेचर ऑफ इमेज क्या था आपका, रियल एंड इन्वर्टेड था, रियल एंड इन्वर्टेड था। ओके, साइज ऑफ इमेज जो था वो बहुत ही छोटा था, पॉइंट साइज इमेज थी, बहुत ही छोटी, जो कि हम हाईली डिमिनाइज्ड भी कह सकते हैं, हाईली डिमिनाइज्ड। गॉट इट। नेक्स्ट जो लोकेशन थी आपकी, नेक्स्ट लोकेशन क्या थी आपकी, बियॉन्ड सी, क्योंकि इन्फानाइट से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने क्या आता था, अगर आप ये रिमाइंड करें, ये आपका कॉनकेव मिरर था, ये आपका सी, ये आपका एफ, ये आपका पोल। ओके, तो इन्फानाइट, इन्फानाइट से आगे बढ़ेंगे तो वो जो एरिया, ये एरिया क्या है आपका, बियॉन्ड सी का, सी से पीछे या बिहाइंड सी हम कह सकते हैं। गॉट इट। फिर उसके बाद लोकेशन आपकी एट सी, फिर एफ एंड सी के बीच में, फिर एट एफ, और फिर पी एंड एफ के बीच में। ओके, तो उसी बेसिस पर, तो नेक्स्ट क्या है आपका, बियॉन्ड सी। अगर सी से पीछे आपको ऑब्जेक्ट रखा है, सी से पीछे आपको ऑब्जेक्ट रखा होता है तो आपकी इमेज जो बनती है वो बिटवीन एफ एंड सी बनती है, बिटवीन एफ एंड सी। ओके, नेचर ऑफ इमेज आपका सेम रियल एंड इन्वर्टेड होता था, और जो इमेज होती थी वो भी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटी होती थी, डिमिनाइज्ड होती थी, डिमिनाइज्ड। गॉट इट। नेक्स्ट लोकेशन आपकी क्या आएगी अब, एट सी। नेक्स्ट लोकेशन ऑब्जेक्ट अगर आपका कहां पर रखा है, एट सी पर रखा है, तो ये एक मैंने आपको स्पेशल पॉइंट बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा तो इमेज भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म होगी। तो इमेज भी कहां आपका फॉर्म हो रही है, एट सी। ओके, नेचर सेम था रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रही थी, और साइज ऑफ इमेज क्या था, सेम था जो ऑब्जेक्ट का था, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। गॉट इट। नेक्स्ट लोकेशन अब क्या आती है आपकी, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी के जब बीच में ऑब्जेक्ट था तो मैंने आपको सीधा बोला था कि जब इमेज आपके एफ एंड सी के बीच में बन रही थी तो ऑब्जेक्ट कहां था, सी के पीछे। तो सेम एज अगर ऑब्जेक्ट आपका एफ एंड सी में रखा है तो इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी आपकी, बियॉन्ड सी, बनेगी आपका बियॉन्ड सी, सी से पीछे। गॉट इट। नेचर ऑफ इमेज सेम रहेगा आपका, और जो इमेज होगी वो क्या होगी आपकी, एनलार्ज्ड होगी, वो क्या होगी आपकी, थोड़ी बड़ी होगी। ओके, या हम बोले थोड़ी मैग्निफाइड होगी आपकी, मींस दिखेगी आपको। ओके, नेक्स्ट लोकेशन क्या है आपकी, अगर हम बात करें फिफ्थ वन, एफ एंड सी हो गया, अब एफ, एट एफ थी। ओके, सीधा फर्स्ट वाला पॉइंट रिमाइंड कर दीजिए, इमेज एफ पर कब बन रही है, जब इन्फानाइट पे। तो सेम एज अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है, फोकस पे है, तो इमेज कहां बनेगी आपका, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। नेचर सेम होगा
और इमेज जो होगी वो क्या होगी आपकी एनलार्ज्ड होगी, या हम बोले हाईली एनलार्ज्ड होगी, बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि इन्फिनाइट पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका स्टार है, स्टार हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। जिसका एग्जांपल आपके पास सन है, सन भी क्या है आपका एक स्टार है, कितना बड़ा है, ओके। सेम उसी बेसिस पर जो स्टार इतने दूर के हमें दिख रहे हैं, जिनकी आपके डिस्टेंस भी डिफाइन नहीं है, लाइट ईयर्स में आप उनके डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, वो आपको अर्थ तक दिख रहे हैं, ओके। तो इट मीन्स कि उनका साइज क्या बहुत बड़ा है, तो इन्फिनाइट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं आपके, बहुत ही बड़े हैं, अगर उसका इमेज आपको शो हो रहा है, हाईली एनलार्ज्ड, गॉट इट। नेक्स्ट लास्ट लोकेशन क्या बसता है आपका, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ मीन्स पोल एंड फोकस, सीधा सीधा पोल और फोकस के बीच में जो आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। यही एक आपका स्पेशल केस है जिसमें आपका नेचर भी चेंज हो जाता है, बिहाइंड द मिरर बन रही थी लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। वर्चुअल इरेक्ट का मीनिंग आपको पता, रियल और इन्वर्टेड, और वर्चुअल इरेक्ट में जो डिफरेंस है वो आपका इमेज फॉर्मेशन बेसिस है। वर्चुअल इरेक्ट में क्या होता है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज बन जाती है, मीन्स हेड ऊपर है टेल नीचे है, तो वहां पर भी हेड ऊपर टेल नीचे, सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, ओके। रियल इन्वर्टेड में उल्टा हो जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसे है तो इमेज ऐसे बनेगी, जबकि वर्चुअल में ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे ही फॉर्म होगी, ओके। और जो इमेज का साइज था वो क्या था, बड़ा था, एनलार्ज था। तो ये आपने देखा जो इस टेबल की मैं बात कर रहा था आपसे प्रीवियस लेक्चर में, ये वही टेबल है। तो अगर आपको ये पूरे पता है फॉर्मेशंस, तो इसके बेसिस पे आपको कैसा भी न्यूमेरिकल कॉनकेव मिरर के रिलेटेड दे दिया जाए, आप इजीली चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे उसको, इवन आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक भी कर लेंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है, आपको पता है कि भाई ऑब्जेक्ट इस रेंज में होगा तो आपकी इमेज कहां पर फॉर्म होगी, आपके पोजीशन क्या होगा, आपका उसका नेचर क्या होगा, ओके, और उसका साइज क्या होगा। इसके बेसिस पे आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इमेज फॉर्मेशंस पे ज्यादा फोकस करें, आपको बनाने भी आने चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए, आपको बिना देखे पता होना चाहिए कि हाँ भाई मैं आपसे बोलूं ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट में कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो इमेज आपकी कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट एट सी है तो कहां बनेगी, ओके, उनके नेचर्स, उनकी पोजीशंस, उनके साइज, ये सब पता होना चाहिए, ओके। तो सेम इसी बेसिस पे आज हम अपना आगे कंटिन्यू करेंगे कॉन्वेक्स मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स को हम देखेंगे। तो जैसे हमने सबसे पहले लोकेशंस डिफाइन करी थी, ऑब्जेक्ट्स की लोकेशंस क्या क्या होंगी, सेम उसी बेसिस पे हम लोकेशंस डिफाइन करेंगे आपका कॉन्वेक्स मिरर की। तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की लोकेशंस की बात करें, तो हमने लोकेशंस किस तरीके से डिफाइन करा था आपका, वो भी देख लेते हैं हम। कॉन्वेक्स मिरर को पहचानना तो आपको आता ही है, आपका आउटर शेडेड वाला कॉनकेव होता है और इनर शेडेड वाला आपका कॉन्वेक्स होता है, जो कि बने हुए हैं आपके सामने ये दो, ओके। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या है आपका, इस तरीके से शेडेड होगा, क्लियर। और इसके जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपके फोकस, फोकल लेंथ, सब किधर होंगे आपके, इस साइड पे होंगे, शेडेड रीजन साइड्स पे होंगे। तो ये आपका फोकस होता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्लियर। अब ये शेडेड रीजन है, तो हम अगर मिरर में अपनी इमेज देखते हैं या मिरर में हमें कुछ चीज देखनी है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साइड पर रखता हूं ऑब्जेक्ट को हमेशा, मिरर के पीछे तो रखता नहीं हूं कि हाँ भाई अब देखूंगा मैं इमेज ना, वो आपको शो होने वाली, तो इस साइड तो आपको ऑब्जेक्ट रखा जाएगा नहीं, क्लियर। ये चीज ऑब्जेक्ट किधर रखा जाएगा आपका, इस साइड रखा जाएगा, या यहां से हम बात करें कि ऑब्जेक्ट आपका कहां पर रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा आपका इस साइड में, आपका शेडेड रीजन साइड पे तो ऑब्जेक्ट हम कभी रखेंगे नहीं रिफ्लेक्शन फिनोमेना में, गॉट इट। तो अब इस साइड अगर मेरे को ऑब्जेक्ट रखना है तो वो कहां कहां पे मैं रख पाऊंगा, यहां पे तो कोई लोकेशंस भी डिफाइन नहीं है, जैसा एफ सी था उसके बेसिस पर हमने डिसाइड कर लिया था, तो यहां पे कोई चीज डिफाइन नहीं, यहां पे सिर्फ क्या डिफाइन है, या तो पोल है या फिर सीधा इन्फिनाइट तक जा रहा है पूरी डिस्टेंस। तो यहां पे कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में आपके ऑब्जेक्ट्स की जो लोकेशंस होती हैं वो सिर्फ दो लोकेशंस होती हैं, एक इन्फिनाइट और दूसरा बिटवीन पोल एंड इन्फिनाइट, क्लियर। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, एक होगी आपकी इन्फिनाइट और दूसरी होगी आपकी बिटवीन
पोल एंड इनफाइनाइट, गॉट इट। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ आपकी दो ही लोकेशंस हैं, इनफाइनाइट और पोल एंड इनफाइनाइट, बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट। तो आज उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला केस है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है तो क्या कंडीशन होगी आपकी, ओके? तो वो देख लेते हैं। सेम जैसे हमने कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम बनाया था, यहां पे ही बनाएंगे। तो अब इंफिनाइट का ऑब्जेक्ट रखना है, इंफिनाइट पे बहुत बड़ा होगा तभी उसकी इमेज हम देख पाएंगे। स्टार सबसे सिंपल एग्जांपल है। तो हमने क्या करा, आपका ऑब्जेक्ट एज्यूम करा, ऑब्जेक्ट एज्यूम करा हमने इंफिनाइट पे, ओके? तो ये हमने इंफिनाइट पे आपका ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लिया, क्लियर? ये ऑब्जेक्ट कहां पे है आपका, ऑब्जेक्ट एट इंफिनाइट, ऑब्जेक्ट एज इंफिनिटी, क्लियर? अब क्या होगा, इसको नेम भी दे देते हैं अगर आप देना चाहें, वैसे तो बड़ा है, ओके? अब इससे क्या होंगे आपके रेज जाएंगी, रेज के फॉर्मेशन कर लेते हैं। रेज का फॉर्मेशन जब हमने करा तो सेम वही इंफिनाइट ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं वो पैरेलल लाइट रेज की फॉर्म में आती हैं, क्लियर? तो हमने पैरेलल लाइट रेज ली, ठीक है, ये आ रही है आपकी लाइट रेज, ये पैरेलल आपकी एक लाइट रेज आ गई और ये दूसरी हम एज्यूम कर लेते हैं। मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि आप जो भी लाइट रेज फॉर्मेशन कर रहे हैं या कोई भी रे डायग्राम आप बना रहे हैं तो जितनी कम रेज लेंगे उतना ही बेनिफिट है। मिनिमम टू मिनिमम आप 2 लीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 भी प्रेफर कर सकते हैं आप, ओके? तो ये दो लाइट रेज आ रही है आपकी पैरेलल, ये दो लाइट रेज क्या है आपकी पैरेलल है। किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। रूल पता है आपको कि जब भी कोई लाइट रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी कहां पे वो जाएगी आपका फोकस पे। तो सेम एज यहां पे भी अगर यहां पे और आप लाइट रेज मानना चाहते हैं तो और भी अज्यूम कर सकते हैं आप, ओके? जैसा कि मैंने बोला कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहे उतनी लाइट रेज आप अज्यूम कर सकते हैं, बस जो आपका रे डायग्राम है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो थोड़ा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहां पे भी आप अज्यूम करना चाहते हैं तो अज्यूम कर सकते हैं, ओके? तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे मैंने 4 लाइट रेज आपका अज्यूम कर लिए हैं। अब चारों क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल लाइट रेज क्या होती हैं, फोकस वाली सीध में आपका रिफ्लेक्ट हो जाती है, कॉनवेक्स के केस में, कॉनकेव के केस में फोकस की तरफ सब बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा लेकिन फोकस की सीध में। तो अगर आप देखेंगे तो फोकस से अगर सीधा ही देखें तो ये सीधा ही आ रही है इसकी, तो ये क्या होगी आपकी इस तरीके से आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगी, गॉट इट? इसको देखेंगे सेम उसी वे में आपका फोकस वाली लाइन के स्ट्रेट उसमें आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्लियर? और ये आपके पीछे डॉटेड डॉटेड आपको मैच करने पड़ेंगे, ये देखिए, गॉट इट? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे जा रही है आपकी, पर जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी आपका यहाँ पे भी, क्योंकि ये आगे जिस वे में जैसे कि आप देख रहे हैं कभी भी मीट नहीं करने वाली। और ये ही नहीं, ये जो और दूसरी पैरेलल आ रही हैं ये भी आपका क्या होंगी, फोकस के सीध में अगर आप इनको भेजेंगे इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा, क्लियर? सेम यहां पे इस तरीके से ये आपका क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, आप देख भी रहे हैं इस चीज को, ओके? तो सारी की सारी रेज, ये कोई भी रेज आपका
फ्रंट ऑफ द मिरर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब फ्रंट ऑफ द मिरर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन इमेज तो तब भी फॉर्मेशन होगी, तो इनको फिर हम अपीयर्स टू मीट में देखेंगे। अपीयर्स टू मीट में आप देख रहे हैं कि अगर ये ऐसे ना होती तो फिर ये इस तरीके से आपका जाती फोकस की तरफ, और ऐसे जाती तो फिर ये कहां पे मीट कर रही है आपका, सब फोकस पे मीट कर रही है। तो आज जो आपकी इमेज बन रही है वो इमेज कहां बन रही है आपकी, यहां फोकस पे। इमेज जो है वो कहां है आपकी, फोकस पे। क्लियर ये चीज, आपका फोकस पॉइंट पे इमेज बन रही है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहां बनेगी आपकी, फोकस पे बनेगी, इन द कॉन्वेक्स मिरर केस आल्सो। जैसे कॉनकेव में था सेम, कॉन्वेक्स में भी सेम वही रहेगा। अब अगर पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो कहां है आपका, एट एफ। क्लियर। नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो बिहाइंड द मिरर जितनी भी इमेज है, आप सीधा कान पकड़ के याद कर लीजिए, आपको ये कुछ नहीं देखना कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, सीधा बिहाइंड द मिरर जो भी इमेज है आपकी, वो सारी की सारी आपकी क्या होगी, वर्चुअल इनडायरेक्ट होगी, वो सारी की सारी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी। कुछ भी याद नहीं करना आपको इसमें। क्लियर, सिंपल याद रखिए, शेडेड रीजन मींस बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और फ्रंट ऑफ द मिरर अगर बन रही है तो वो रियल और इन्वर्टेड होगी। मिरर के केस में, सिर्फ मिरर के केस में मैं कह रहा हूं, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट, फ्रंट ऑफ द मिरर रियल इन्वर्टेड, हमेशा हर केस में। आप देख लीजिए, आपने कॉनकेव के केस में भी देखा था, सिर्फ लास्ट वन केस ऐसा था जिसमें बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही थी, और बिहाइंड द मिरर इमेज क्या है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ओके, तो जैसा कि यहां देख रहे हैं, अब साइज ऑफ इमेज क्या है यहां पे, पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनाइज्ड है, पॉइंट साइज्ड है, या हाईली डिमिनाइज्ड भी कह सकते हो, हाईली डिमिनाइज्ड। क्लियर, तो आई थिंक फर्स्ट केस आपको क्लियर हो गया, क्योंकि यहां पे दो ही जगह पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, इन्फाइनाइट और पोल और इन्फाइनाइट के बीच में। तो इन्फाइनाइट केस हमने देख लिया, इन्फाइनाइट ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज होगी वो हमेशा फोकस पे बनेगी और वो छोटी होगी। ओके, और जो नेचर होगा इमेज का वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। गॉट इट। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जब हम ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इज placed between pole and focus, मैं abbreviation form में use कर रहा हूं। अब क्या होगा, आपका object is pole, is pole और infinite के, oh sorry, pole and infinite, यह mistake था। अब क्या है, आपका ऑब्जेक्ट पोल और इन्फाइनाइट के बीच पे कहीं पे भी हो सकता है, इन्फाइनाइट पे नहीं होगा, इन्फाइनाइट से आगे, पोल से आपका पीछे, कहीं पे भी इस रेंज में अगर है आपका ऑब्जेक्ट, तब आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। सेम एज एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ये हमने ऑब्जेक्ट अज्यूम करा आपका, ओके, एक 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट लिया हमने, नेम दिया उसको ए बी, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। गॉट इट। अब सेम वही कंडीशन जो कॉनकेव मिरर में हमने देखी थी, किसी भी ऑब्जेक्ट से मिनिमम दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लाइट रेज लीजिए। ओके, तो यहां पर भी हम 2 लाइट रेज मानेंगे, एक लाइट रे आपका सेम पैरेलल, एक लाइट रेज हमने अज्यूम करी पैरेलल। क्लियर, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब आपको पता है पैरेलल वाली क्या होगी, फोकस की सीध में जाएगी। ओके, लेकिन ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकस की सीध में क्या होगी आपकी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आपकी फोकस की सीध में रिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से। ओके,
और अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती तो फिर ये इस तरीके से जाती है आपका, अगर शेडेड रीजन नहीं होता इधर, ओके, तो फिर क्या होती है आपकी फोकस की तरफ जाती। तो अभी क्या हो रहा है, ये आपका इधर रिफ्लेक्ट हो गए, गॉट इट, ये एक लाइट रे होगी आपकी। नेक्स्ट लाइट रे इसको अब जहां से लेना चाहे उधर से ले सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेना चाहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले लीजिए, फोकस पर लेना चाहते हैं फोकस पर भी ले सकते हैं, ओके। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एज्यूम कर लेते हैं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आप एज्यूम करेंगे तो यहां से थोड़ा लंबा होगा आपको, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में आपको देखना पड़ेगा। हम दूसरा स्केल ले लेते हैं, इसी के ही डायरेक्शन में आपको देखना पड़ेगा, ओके, ये मार्किंग कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफाइन हो जाएगा। तो अब आपको डिफाइन हो गया कि अगर आपका लाइट रे इस तरीके से आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्लियर, ये डॉटेड लाइन आपको ये शो कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पाथ है, ओके, लेकिन आपको पता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले रास्ते पर जा रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रास्ता क्या होता है, नॉर्मल का पाथ होता है, और नॉर्मल पर जो भी लाइट रे जाती है वो क्या होती है, जिस पाथ से आई है उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगर ये नहीं होता शेडेड रीजन तो ये कैसे होती, इस तरीके से आपका आगे जाती, ओके। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं पैरेलल गई, रिफ्लेक्शन फोकस वाली लाइन के थ्रू हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई, उसी पाथ पे आपका रिट्रेस हो गई, वापस से रिफ्लेक्ट हो गई, ओके। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि आपके जो लाइट रेज है वो यहां तो आपके मिलेंगी नहीं कभी, क्योंकि ये जा रही है ऐसे और ये जाएगी आपका ऐसे, कभी भी इनका इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, चाहे आप कितनी भी ले लीजिए, आप 10 लाइट रेज ले लीजिए, 12 ले लीजिए, जितनी लेना चाहे उतनी ले लीजिए, कोई भी लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं, ओके। ये इंटरसेक्ट कहां करेंगी, बिहाइंड द मिरर अपीयर्स टू मीट होंगी, कि अगर ये ऐसा नहीं होती कंडीशन तो ये यहां जाके मिलती, तो ये यहां आके मिलती, उसी पॉइंट पे आपका इमेज फॉर्मेशन होगा, ओके। तो जो आपका यहां पे इमेज है वो आपका यहां बनेगी, कहां पे, बिटवीन पोल एंड एफ, बिटवीन पोल एंड एफ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ओके। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, यहां मैं लिख भी देता हूं, ये आपका क्या बनी है, इमेज फॉर्मेशन हुआ है, गॉट इट, कहां पे, पोजीशन क्या है, बिटवीन पोल एंड एफ। तो अब अगर हम पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है आपकी, बिटवीन पोल एंड एफ, मींस पोल एंड फोकस, ओके। और साइज ऑफ, अगर बात करें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो साइज ऑफ इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अब भी क्या है आपका, छोटा है, मींस डिमिनाइज्ड है, डिमिनाइज्ड है, गॉट इट। नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो अगेन ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही है, इमेज भी ऐसी बन रही है, भले ही छोटी बन रही है, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर बिहाइंड द मिरर कोई भी इमेज आपका फॉर्मेशन हो रहा है, आंख बंद करके आप कह दीजिए कि वो वर्चुअल और डायरेक्ट होगी नेचर में, बिहाइंड द मिरर कोई भी इमेज फॉर्मेशन होगा वो आपकी क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ओके। तो आई थिंक ये दोनों रे डायग्राम्स आपको क्लियर हो गए हैं, ओके। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपके 2 ही केस हैं, कॉनकेव मिरर के लिए आपके 6 केस हैं, टोटल आपके कितने हो गए, 8 केसेस हो गए। तो मिरर से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूमरिकल्स, कोई भी क्वेश्चंस, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो, रीजनिंग बेस हो, चाहे इवन सॉल्विंग टाइप हो, मैथमेटिकल न्यूमरिकल बेस हो, अगर आपको ये रे डायग्राम्स क्लियर हैं, आप चुटकियों में वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा अपने क्वेश्चंस का पहले ही कि हाँ भाई इसका सॉल्यूशन ये आना चाहिए, तो मेरा इतना क्यों आ रहा है, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप, ओके। तो आई होप कि आपको ये दोनों लोकेशंस पे रे डायग्राम्स बनाना आया होगा, आपको बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका एक ना एक क्वेश्चन मिलता है रे डायग्राम के बेसिस पे, ओके। तो आई होप आपको ये दोनों पोजीशंस के बेसिस पे रे डायग्राम फॉर्मेशंस क्लियर हो गए होंगे, कि इमेज फॉर्मेशंस कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से होगा, कॉनकेव मिरर के हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लाइट चैप्टर अच्छे से समझना है, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझना है, रिफ्लेक्शन के बेसिस पर अगर न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो आप
ये दोनों लेक्चर्स को देखें, मैं आपको प्रेफर करूंगा। ओके, बाकी के आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू।